राजेश मुद्गल, लीड इंडिया न्यूज चैनल से, जो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या में विश्व हिंदी अकादमी मुंबई द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया है 75वां साल, तो उसके उपलक्ष्य में सभी मित्रों को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मानसी उपाध्याय जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा इस कार्यक्रम के बारे में आपको कैसा लगा? सर, आज़ादी की पूर्व संध्या पर और अमृत महोत्सव है तो मुझे लगता है कि छात्रों को भी एक मौका मिला है और इन बच्चों ने 2 दिन में सारी तैयारियां की हैं। उसके लिए मैं केशवराय जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी और सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगी मैं अपने अभिभावकों को कि जिन्होंने रात भर जाग के सिर्फ 2 दिन के भीतर कई अभिभावकों से संपर्क किया था, पर कोरोना काल होने के नाते वो आने नहीं देना चाहते थे। पर साधुवाद है केशव जी को। सबसे ज़्यादा ये मेरे छात्र हैं, मेरा सबसे बड़ा गर्व है। तो आने वाले भारत का अगर भविष्य कोई बनाने वाला है तो ये सिर्फ अमृत महोत्सव नहीं होगा, कहते हैं ना कि डायमंड जुबली से भी ऊपर होगा। तो ये हमारे धन्यवाद आपको। और मैं अभी जाऊंगा हमारे उन बच्चों की तरफ जो नई पीढ़ी है हिंदी को आगे ले जाने के लिए। मेरे भाई सिद्धार्थ ने एक बहुत अच्छी कविता पढ़ी थी, तो सिद्धार्थ मंच पे पहुंच के आपको कैसा लगा? कविता पढ़ी आपने? हाँ, ये पहली बार मैंने मंच पे कविता पढ़ी है। मैं वैसे भी लिखता हूँ, लेकिन मैंने कभी लोगों के सामने अपनी कविताएं प्रस्तुत नहीं की है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ऐसा दोबारा भी करना चाहूँगा। तो इन्होंने मुझे मंच दिलाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद आपका भी सिद्धार्थ जी। और ये आने वाले भविष्य के हिंदी की धरोहर हैं जो आगे अपनी हिंदी के लिए अपनी सेवाएं देते रहेंगे और मैं ऐसी कामना करता हूं। वेद कुमार जी, आपने कविता क्यों नहीं पढ़ी? कविता क्यों, क्या हुआ इसकी मेरे को बहुत नर्वस फील होता था और मेरे को लाइक बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मेरे को बहुत लाइक 2-3 साल के बाद स्टेज पे आ रहा हूँ। आगे अपना ये दर्द दूर करें और फिर निरंतर हिंदी की कविताएं लिखता है। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। दिया राजकुमार पांडे। दिया राजकुमार पांडे जी, आपने भी कविता पाठ किया है? हाँ। तो उस कविता की 2 लाइनें आप जरूर सुनाए ताकि हमारी वाइट्स में आए। छोड़ो मत अपनी आन, शीश कट जाए, मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए। 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो 1 ही बार मरता है। तुम स्वयं मृत्यु के मुख पर चरण धरो रे, जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने बहुत उम्दा कविता पढ़ी। और 2 बच्चे मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। मैं आपके पास आऊँ नहीं आऊँ? वो थोड़ा नर्वस है। सर, उसने मराठी कविता पढ़ी और नहीं, वो मराठी से मेरा विशेष प्रेम है, मेरी पत्नी मराठी है। कौन सी कविता पढ़ी कदम आपने मराठी? हे राष्ट्र देवतांचे। 2 लाइन सुनाओ। हे राष्ट्र देवतांचे, हे राष्ट्र प्रेषितांचे, हा चंद्र सूर्य नांदो स्वातंत्र्य भारताचे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। और ये लीड इंडिया न्यूज चैनल की तरफ से हम ये न्यूज निरंतर दिखाते रहेंगे। जैसफ जोजू, कौन सी कविता पढ़ी आपने? मैंने एक्चुअली गाना गाया है यहाँ पे देशभक्ति के लिए। ये जो देश है मेरा, मिट्टी की है जो खुशबू तू कैसे बुलाएगा, तू चाहे कहीं जाए तू लौट के आएगा, नई नई राहों में दबी दबी आहों में खोए खोए दिल से तेरे कोई कहे। ये जो कपोल हैं जो कल जाके बट वृक्ष बनेंगी, मैं उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। और अभी हमारा कार्यक्रम चाहते हैं विश्व प्रसिद्ध हिंदी के व्यंग्यकार और मंच संचालक सुभाष काबरा जी। सुभाष जी, आज के कार्यक्रम के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि केशवराय जी का ये प्रयत्न आपको कैसा लगा? ये प्रयत्न बहुत ही सार्थक था, क्योंकि नई पीढ़ी के बच्चों को और नौजवानों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो साहित्य, कविता और हमारे देश की संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन महसूस होगा। आज जो पेरेंट्स यहाँ पर आए और अपने बच्चों को लेकर आए और उनको तैयार किया, उन्हें मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नंदनी गुप्ता जी, ये आज का जो कार्यक्रम, जो मेहनत की है केशवराय जी ने भी सिंधी की तरफ से, मैं चाहूँगा उसके बारे में आप अपने 2 शब्द कहें कि आपको कैसा। आपके लिए सब लोगों के लिए नमस्कार मेरा। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और ये कवि का जो सम्मेलन है उसके साथ साथ हर चीज़ हिंदी दिवस के हिसाब से भी और हिंदी की भाषा के लिए, और बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ आके, सबको सुन के बहुत अच्छा लगा कि सबके अंदर कितना देश के लिए प्रेम है और हिंदी भाषा के लिए। अब ये ख़त्म नहीं हुआ, ऐसे अगर प्रोग्राम होते रहेंगे तो हम लोगों को अपना देश और देश की भाषा संभाल के रख सकते हैं, ऐसा लग रहा था। बहुत अच्छा एहसास हो रहा था सबको सुन के। विशु जो गीतकार हैं, खुद लिखते भी हैं और गाते भी हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, विश्व हिंदी अकादमी ने जो एक कार्यक्रम रखा है आज़ादी के 75वें साल सतरंगी कार्यक्रम, इसमें केशवराय जी ने बहुत मेहनत की है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा केशवराय जी को कि इस तरह से हिंदी के प्रोत्साहन के लिए और भारत के स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर इस तरह से आयोजन हुआ है। काफ़ी हिंदी के अच्छे अच्छे नौनिहाल लोगों ने भी प्रस्तुति की है और मैं भी अपने एक देशभक्ति गीत को प्रस्तुत किया हूँ। इस तरह के कार्यक्रम हमेशा होते रहना चाहिए, क्योंकि कोरोना में सब लोग घर के अंदर थे, ये एक पहला अवसर है। 1.5 साल के बाद मैं किसी कार्यक्रम में आया हूँ, मेरे बहुत सारे मित्र आए हुए हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपने देशवासियों को 75वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच विशु। हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले वक्त में आप अच्छे अच्छे गाने लिखें और आप बहुत यहाँ प्रसिद्धि पाएँ। अनूप बिंदल जी जो कविताएँ लिखते हैं, गीतकार हैं, फिल्म मेकर भी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, ये कार्यक्रम जो हो रहा है 75 साल 75 कवि विश्व हिंदी अकादमी की तरफ से, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं ये कहना चाहूँगा, विश्व हिंदी अकादमी और केशवराय जी, प्रशांत जी और देवमणि जी बहुत अच्छे कार्यक्रम करते हैं। मैं हर प्रोग्राम में आता रहता हूँ, आज मैं प्रिपेयर नहीं था, उन्होंने मुझे कविता पढ़ने का मौका भी दिया, इसलिए धन्यवाद कहता हूँ। और ये कोरोना में जो मायूसी छाई हुई थी हर जगह, तो ऐसे कार्यक्रम वो करते रहे, मायूसी कम होती रही और लोगों का उत्साह बढ़ाते रहे। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ उनको। मेरे साथ हैं सुप्रसिद्ध शायर माननीय नवीन जोशी जी। मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहूँगा कि ये 75वें आज़ादी उपलक्ष्य में जो ये विश्व हिंदी अकादमी ने जो कार्यक्रम किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? केशवराय जी पुराने मित्र हैं और अतिथि के रूप में उनके कार्यक्रमों में आता रहता हूँ, तो विश्व हिंदी अकादमी और केशवराय जी मिलकर, मतलब वही उन्हीं के अध्यक्ष हैं, तो वो मिलकर बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम करते रहते हैं हमेशा। और आज़ादी की पूर्व संध्या पर इन्होंने जो कार्यक्रम किया था, बहुत सुंदर कार्यक्रम था। नई पीढ़ी के बहुत सारे कवियों को सुनने का मौका मिला, बच्चे बहुत खूबसूरत लिखते हैं और बड़ा आनंद आया। मुझे भी कुछ सुनाने का मौका मिला, लोगों को बड़ा ही आनंद आया और इनके प्रोग्राम में हमेशा ही मैं आता रहता हूँ। बहुत खूबसूरत आयोजन करते केशवराय जी। आपने एक कविता सुनाई थी कि पत्थर पर राम लिख देना, मैं राम हूँ, के लिए 6 गाने लेके आ रहा हूँ यूपी इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए आपकी सेवा के लिए, तो वो 4 लाइनें आप जरूर सुनाएं। जी ज़रूर। दरअसल वो एक कथा है जो बहुत पुराना कथा है मेरा, और जब भी अच्छी ऑडियंस देखता हूँ तो मैं उसे सुनाता हूँ। वो कुछ इस तरह से है कि न मेरा नाम न अंजाम लिखो, न मेरा नाम न अंजाम लिखो, न लिखो काम न तुम दाम लिखो, न मेरा नाम न अंजाम लिखो, न लिखो काम न तुम दाम लिखो, मैं वो पत्थर हूँ जिसे तैरना है, मैं वो पत्थर हूँ जिसे तैरना है, मुझ पे लिखना है तो बस राम लिखो, मुझ पे लिखना है तो बस राम लिखो। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और भगवान राम जी का मंदिर बन रहा है, मैं 5 दिन अयोध्या में होके आ गया हूँ और भगवान श्री राम ने चाहा तो शायद मैं वहाँ काम भी करूँगा, मेरा कंस्ट्रक्शन का ही काम है। धन्यवाद आपका, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देते हैं, सभी को आज़ादी की शुभकामनाएँ और आपको उज्ज्वल भविष्य के लिए जो इतना अच्छा आप लिखते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत जल्दी कहीं एक बड़े गीतकार के रूप में फेमस हों, शायर के रूप में फेमस हों, और ऐसी हमारी शुभकामना है लीड इंडिया की तरफ से। हमारे साथ हैं एक उभरती हुई गीतकार, कवित्री, गज़ल गायिका सुश्री जैन जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज का जो कार्यक्रम 75वां साल 75 कवि, इसके लिए हमारे केशवराय जी ने बहुत मेहनत की है विश्व हिंदी अकादमी की तरफ से, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ पे आई और केशव जी राय सर ने मुझे बुलाया यहाँ पे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की सब लोगों ने, बहुत प्रतिभाशाली कलावंत है यहाँ पे, तो उनके मतलब उनके लिए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि शाम मुझे बहुत यादगार रहेगी और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मजा आया। धन्यवाद आपका। और ऐसे ही हिंदी के कार्यक्रमों में आप आती भी रहे और प्रमोट भी करते रहे इन कार्यक्रमों को। केशव जी को वही रिक्वेस्ट किया कि आप ये हर महीने रखिए, तो हर महीने हमें नए कलाकारों को देखने मिलेगा, उन्हें सुनने मिलेगा। थैंक यू। और आज का जो कार्यक्रम हुआ है 75वां आज़ादी की पूर्व संध्या और 75 कवियों के साथ विश्व हिंदी अकादमी के अध्यक्ष केशवराय जी और उनके मित्रों के सहयोग से संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? जी, सबसे पहले तो आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर जो कवि हैं जिन्होंने भागीदारी की, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मैं कहना चाहूँगा कि ये एक जो है बहुत सराहनीय प्रयास रहा, क्योंकि इसमें जो लोग शामिल हुए, इसमें ख़ास तौर से नई पीढ़ी के कवि थे, तो नई पीढ़ी के लोगों के भीतर जो देश के प्रति, समाज के प्रति विचार हैं, उसका अक्स बखूबी देखने के लिए मिला। और लोगों ने माता पिता, देश, समाज से लेकर के जो सेना पर सिपाही जूझ रहे हैं, उन सब के बारे में बड़ी अच्छी कविताएं सुनाई। तो ये जो विविधतापूर्ण आयोजन था, ये बहुत स्वागत योग्य है और ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए, इससे समाज में सकारात्मकता बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए और सहयोग करने के लिए, और ऐसे ही आप सहयोग करते रहें। मेरे को लगता है कि विश्व हिंदी अकादमी ऐसे कार्यक्रम करती रहेगी और आपका सहयोग इसमें होता रहे। ज़रूर ज़रूर, हम आपके बिल्कुल साथ हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों से समाज में एक बेहतर संदेश जाता है कि ये देश हमारा है, हम इस देश के नागरिक हैं और हमको अपनी जो सोच है, सोच का इजहार करना चाहिए। तो इस इजहार के लिए आज सबको बधाई। कृपया अपना परिचय दें और आज जो कार्यक्रम हुआ है 75 साल 75 कवियों के साथ विश्व हिंदी अकादमी मुंबई ने जो ये कार्यक्रम किया है, कार्यक्रम तो बहुत भव्य था, आपने देखा, आप तो मुख्य अतिथि हैं यहाँ के, तो इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो केशवराज जी को मैं धन्यवाद दूंगा और उनके हर कार्यक्रम में शायद तो मैं रहता ही हूँ। आज मैं एक बात बोलूँगा कि मैं खाली हाथ आया था, मेरे पास कविता खुद की लिखी नहीं थी, मगर बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ, और अगली बार जब मैं कवि सम्मेलन में आऊँगा तो खुद की कविता लेके आऊँगा। सबसे बड़ा मुझे लगता है आज की जो इस कार्यक्रम की जो उपलब्धि है वो ये है कि हमारे भाई साहब जो फिल्म मेकर हैं, फिल्म के लिए लोकेशन प्रोवाइड करते हैं, कंस्ट्रक्शन, हाँ, लोकेशन प्रोवाइड करते हैं, आज ये कह के जा रहे हैं कि अगली बार जब आएंगे तो कविता सुनाएंगे, और ये मैं आपकी बात याद रखूँगा। लीड इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो केशव राय जी, जो ये हिंदी के लिए आप कार्यक्रम कर रहे हैं, एक्चुअली मैं तो उससे आपका अभिभूत हूँ, मैं आपका भक्त हो गया हूँ, क्योंकि आप हर 10-15 दिन में हिंदी का कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहे। हिंदी भाषा जिसकी फिल्म इंडस्ट्री दुनिया में दूसरे नंबर पे है, वो बम्बई में भाषा मरी हुई सी है, क्योंकि हिंदी के गाने इंग्लिश में लिखे जा रहे हैं, हिंदी के कार्यक्रम इंग्लिश में हो रहे हैं हिंदी फिल्मों के, तो इसको आप जीवंत रखने के लिए जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसको मैं लीड इंडिया न्यूज़ की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। और ये आज जो आपने कार्यक्रम किया है 75वां सतरंगी समारोह, तो ये इसकी भूमिका आपके दिमाग में कहाँ से आई? नहीं, ऐसा जब हमें मालूम हुआ कि ये कल 75 वर्ष शुरू हो रहे हैं आज़ादी के, तो हमारे मन में आया कि 75 वर्ष तो 75 कवि होना चाहिए और उसमें कविता, कहानी, शायरी, ये सब होना चाहिए। तो हमने सब चीज़ बातचीत की और इस उत्सव को हमने शुरुआत आज से ही कर दिया। अब ये पूरे वर्ष चलेगा और आने वाले समय में हम ऑनलाइन भी ये कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसमें 75 शहर के, हर शहर का एक कवि होगा, वो ऑनलाइन होगा, और उसके बाद 75 देशों के कवि होंगे, क्योंकि विश्व हिंदी अकादमी का करीब 110-15 देशों में संपर्क है, सारे हिंदी सेवियों से बातचीत है और हमारी गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। तो आगे के कार्यक्रम क्या क्या आप रखना चाह रहे हैं? जो जो कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं उससे मतलब बहुत ही खुश हूँ, आपको बताऊँ। आगे तो अभी हमारा जो हम पिछले 25 वर्षों से हिंदी सेवा सम्मान समारोह करते हैं, वो 14 सितंबर हिंदी दिवस होता है, उस दिन करते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी होता है, उसमें करते हैं। उसमें हम हिंदी सेवियों को सम्मानित करते हैं जो हिंदी के प्रचार प्रसार में और हिंदी को आगे बढ़ाने में, उसकी विकास यात्रा में उनका योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और ऐसे ही कार्यक्रम आप करते रहें। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।